शायद पापा को फील हो गया होगा कि वो नहीं बचेंगे, पापा के नाम पे कोई बात नहीं कर सकते यार। की थी कि पापा को ये प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत वेरिएशन आ रहा था शुगर लेवल में, बहुत ज्यादा कि कभी बढ़ रही है एकदम से कम हो रही है, जबकि पापा बहुत नहीं खाते थे, बहुत पापा ने डाइट को कंट्रोल कर रखा था। फिर पता नहीं कैसे पापा को टीबी हो गई, टीबी का भी पापा का इलाज कराया। मतलब मुझे आज भी याद है, रात को ले लेके जाना होता था पापा को, कभी भी कुछ भी हो जाता था। क्या कर रहा है ये, मत कर। क्यों रो रही है? मत कर। पापा के नाम पे कोई बात नहीं कर सकते यार। तो दोस्तों मैडम रो रही हैं क्योंकि आज 10 जून है और 10 जून को रचना के पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। आज 12 साल हो गए उसको, 12 साल बाद भी उसको वो यादें पूरी हैं। मैडम चले गए, अब क्या करो यार, 12 साल हो गए, जिनको जितनी लिखी थी वो तो चले गए, आप रोए भाई, याद तो करना चाहिए सब। तो लगता है इंसान याद तो साल भर आती, पर आज जो जो हुआ था सब रिकॉल तो होता है ना। आज आपका पेपर भी था बी का, मेरे को कहानी सुना भी नहीं सकती, कभी सोचूं नहीं। हमारे लोगों को बताओ कि क्या हुआ था उसमें, बहुत कुछ। मैं इसलिए कि जो हॉस्पिटल की तरफ से गलती हुई थी वो पता चलना चाहिए ना लोगों को। दूर करो कैमरा थोड़ा, मैं नहीं बोल पाऊंगी, आप दूर करो कैमरा। तो दोस्तों क्या हुआ था मैं बताता हूँ, रचना का आज 10 तारीख जून है, वी वर इन रिलेशनशिप, और सुबह 5:30-6 बजे रचना का फ़ोन आया मेरे पास। मेरा इसका पेपर चल रहे थे, हमारे मेरे भी पेपर चल रहे थे कि मेरे हो चुके थे, फाइनल सेमेस्टर के पेपर चल रहे थे, तो उसका फ़ोन आप गलत बताओगे इसलिए मना कर रही हूँ। हाँ जब बताओ फिर, आप मुझे नहीं याद है। फ्रेंड्स मेरे पापा उस टाइम 56 ईयर्स के थे, ही वॉज वर्किंग इन BHL भोपाल, एंड उनकी 6 महीने से तबीयत ख़राब थी, उनको TB हो गया था और डायबिटीज़ थी, और मेरी दीदी की शादी हो चुकी थी, भैया की शादी हो चुकी थी, भैया भी बाहर रहते थे। तो पापा को क्या प्रॉब्लम मेन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, जो डायबिटिक होंगे शायद उन लोगों को पता होगा कि यूजुअली डायबिटीज़ बढ़ जाती है लोगों की। मेरे पापा के साथ ये होता था, पापा पूरा कंट्रोल करते थे, उनको इंसुलिन भी स्टार्ट था, उनकी डायबिटीज़ कम हो जाती थी। तो क्या होता था ना, रात को एकदम मम्मी बुलाती थी, क्या देखो तो पापा फर्स्ट पर फ्लोर पर पड़े हुए हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं। मैं जब पहली बार ऐसा हुआ था कुछ महीनों पहले, मैं डर गई, मैंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, मैं मम्मी पापा दोनों को लेके गई, ये रिपीटेडली 2-3 बार, तब पता चला कि पापा की डायबिटीज इतनी कम हो जाती थी, शुगर लेवल कम हो जाता था। अगर मैं थोड़ी भी देर हो गई होती पहले भी तो शायद पापा वो ब्रेन में चला जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन डेड हो जाता है। तो शुगर लेवल का फिर हमने ध्यान रखना भी शुरू किया कि शाम को पापा कुछ खा ले, क्योंकि पापा की कम हो रही थी, बहुत फ्लक्चुएट हो रही थी। ये बात मैंने VHL के डॉक्टर उनसे भी डिस्कस की थी कि पापा को ये प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत वेरिएशन आ रहा था शुगर लेवल में, बहुत ज़्यादा कि कभी बढ़ रही है एकदम से कम हो रही है, जबकि पापा बहुत नहीं खाते थे, बहुत पापा ने डाइट को कंट्रोल कर रखा था। फिर पता नहीं कैसे पापा को TB हो गई, TB का भी पापा का इलाज कराया। मतलब मुझे आज भी याद है, रात को ले लेके जाना होता था पापा को, कभी भी कुछ भी हो जाता था। एंड आप लोग जो कुछ लोग कहते हैं ना, आज भी लोग कहते हैं ना, अपनी मम्मी को क्यों रखती है साथ में, काइंड ऑफ मेरे पापा ने मुझसे फरवरी 2010 में कहा था, शायद पापा को फील हो गया होगा कि वो नहीं बचेंगे, तो उन्होंने कहा था कि बेटा भैया दीदी का तो मैंने कर दिया है सब अच्छे से, आप पे मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी लाइफ अच्छे से कर लोगे, बस मम्मी का ध्यान रखना। तो सच ये कि मेरा मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है जितना पापा से, पापा से बहुत था, तो इसीलिए मैं अपनी मम्मी को रखती हूँ कि पापा ने मुझे कहा था, और वहाँ नहीं रख पा रहे बाकी लोग मेरी मम्मी को, अभी दीदी के पास है, दीदी और मेरे पास ही रहती हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मम्मी को गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, तो मैं इसलिए मम्मी का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ।
तो जून की बात करें, वो भी बता दो कि उस चक्कर में आपने TCS भी ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि लोग को लगता है कि MTech करने के बाद BTech करने के बाद आप कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि मई में क्या होता, मेरी दीदी को बेबी हुआ था, तो मेरी दीदी उस टाइम आई हुई थी और 1 जून से मेरा एग्जाम थे, है ना, 6 सेम के, और मैं टॉपर थी और इस बात से पापा को बहुत खुशी होती थी। तो 1 जून को मेरा कम्युनिकेशन का पेपर था, उसके बाद 7 जून को पापा को BHL दिखाने जाना था, तो पापा ने कहा रचना तेरे पेपर चल रहे, तू परेशान मत हो, दीदी आई हुई, दीदी ने भी कहा कि मैं देखूंगी, तो दीदी ही पापा को लेकर गई थी। एंड तो वहाँ लास्ट टाइम मैंने 7 जून को पापा को देखा था, वो वहाँ एडमिट कर लिया उनको कि नहीं ठीक है अभी एडमिट कर लीजिए, ऐसी कोई नहीं, अच्छे से गए थे, पर ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी। तो मैंने दिल्ली में एक डॉक्टर भी पता किया था, उनसे फ़ोन पे बात भी की थी, पर और मैंने सोचा था पापा को जल्द से जल्द ले जाना है, तो 11-12 तारीख का मैं रिजर्वेशन भी कराने वाली थी, तो मैंने अपने फूफा जी को बुला लिया था, भैया को बोला था कि आ जाए, मैं नहीं जा सकती क्योंकि साइन वगैरह लगेंगे तो तुम कर देना, तो वहाँ के जाने की भी पूरी तैयारी करी थी। मैं पापा से मिलने 8 और 9 तारीख को नहीं गई, क्योंकि पापा ने मना कर दिया था कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पे ध्यान दो। 10 तारीख आज मेरा कंट्रोल सिस्टम का पेपर था, सुबह मैं पढ़ने के लिए 3-4 बजे उठी, लेकिन 5 बजे करीब मुझे अजीब सा फील हो रहा था, अंदर से अजीब सा लग रहा था, मैं ऊपर बालकनी में जाके पढ़ी थी, इतने में दीदी का फ़ोन बजा, पता नहीं क्यों हुआ, मैंने जाके उठाया, मैंने क्यों उठाया पता नहीं, मैंने फ़ोन उठाया और वहाँ से आया कि आपकी मम्मी की, आपके पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ आप लोग आ जाइए। तो मैंने तुरंत, दीदी जी आजी सब आए हुए थे क्योंकि पापा को दिल्ली ले जाना था, तो मैंने तुरंत बोला दीदी जी आजी गए, पर मुझे इतनी घबराहट हो रही, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है काइंड ऑफ। फिर मेरी फ्रेंड है थोड़ी दूर पर रहती थी, उसके मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा के फ्रेंड है मोंटी, वो आई, बोलती चल आज साथ में, हम लोग साथ में जाते थे एक गाड़ी ऑल्टरनेट, वो आई चल मेरे घर, चल वहीं से चलेंगे। मैंने कहा तू क्यों आई है सडनली, मुझे अजीब लगा, बोलती कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने उसे रोते हुए कहा पापा की तबीयत ठीक, उसने कहा ठीक हो जाएगा तू चल मेरे घर। तो मैं नहाई करी, मेरी भाभी ऊपर ही थी, मैंने उनको बोला मैं जा रही हूँ, वो उतर के नहीं आई, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या है। फिर मैं, फूफा जी भी थे, वो बोला मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैंने कहा हाँ फूफा जी जाइए मैं भी जा रहा हूँ, उन्होंने कहा जा, हम रिजर्वेशन कराने के लिए मैं जा रहा हूँ इतनी जल्दी। मैंने कहा ठीक है, मैं गई 8-8 बजे, तब भी मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे एक बार दीदी से बात करनी है, मेरा पेपर है। मैं दीदी आजी को फ़ोन किया, मैंने ज़िद की कि मुझे दीदी से बात करनी है, बहुत आधा घंटे बाद फिर उन्होंने दीदी से बात करी, पता नहीं दीदी ने हिम्मत करके कैसे बात की, क्योंकि शायद 5-5:30 बजे पापा जा चुके थे 6 बजे तक। अब मैं एग्ज़ाम देने गई और जैसे मैं अभी रो रही हूँ, 10 बजे से पेपर था तब भी मुझे आंसू आ रहे थे। पता नहीं क्या होता है ये रिलेशन, ये तो हम नहीं बता सकते कि हमको शायद पता चल जाए, पता नहीं था, मैंने ऐसे सोचा नहीं था ऐसा होगा, पर मुझे अपने आप आंसू आ रहे थे। मैंने 11:30 तक पेपर दे दिया, मैंने कहा पासिंग मार्क्स का पेपर दिया था मैंने, मैं 12 बजे के बाद जाने देते थे 1 घंटे से पहले, मैं निकल ली, मैं मोंटी का मैंने वेट किया, जैसे ही वाई मैंने कहा चल घर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे पापा से मिलना है। और फिर मैं उसके घर गई, पता नहीं उसके घर में तो सब इतने शांत, उनने मुझे इतने अच्छे से प्यार से रखा, आंटी ने कहा बेटा खाना खा के जा, मैंने कहा नहीं आंटी घर जाए खा लूँ, उन्होंने कहा नहीं बेटा आज मैंने बनाया, मैं पता नहीं मुझे समझ नहीं आंटी मुझे खाना क्यों खिलाया, उनने मुझे रोका, उनने मुझे खाना दिया, मैंने शायद आधी एक रोटी खाई बड़ी, मुझे मैंने कहा आंटी मुझे जाना है, फिर उनने मतलब रिलैक्स कर, क्योंकि उन लोगों को पता था। फिर अंकल मुझे लेके गए, जब मैं 1:30-2 बजे अपने घर पहुंची हूँ, मैं अंकल से कह रही हूँ अंकल इतनी भीड़ क्यों है, ये शिंदे अंकल की गाड़ी क्यों खड़ी है, मामा की गाड़ी, देखा अंदर गई तो पता चला ऐसा हो गया, मैं समझ नहीं आया क्या हो गया, सब रो रहे हैं, पूरा घर खाली है। तो मैंने तो पैरों तले, लोग कहते हैं पैरों तले जमीन की शक्ति, मेरी को ऐसा लगा कि ये रो मत ना यार, उस चीज़ को याद मत करो, बस ये मैं ये जानना चाह रहा था कि हॉस्पिटल में क्या हुआ, हॉस्पिटल में क्या हुआ था, क्योंकि यूजुअली आप लोगों ने भी सुना होगा कि हॉस्पिटल की वजह से जान चली गई, ये हो गया। हाँ ऐसा होता है, पापा की जो अस्थमा टीबी वाली डॉक्टर थी, एक तो वो बहुत रूड थी, उनसे कोई भी प्रॉब्लम बोलो ना वो ढंग से सुनती नहीं थी। तो कौन सा हॉस्पिटल में थे, BHL की बात है, BHL उस रात जो हुआ था, जो मेरी मम्मी ने बताया कि 12-1 बजे मम्मी ने सिस्टर को बुला के बोला था कि शायद इनका शुगर लेवल कम हो रहा है, प्लीज आप देख लो, उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है कुछ नहीं होता ऐसा, पापा को उसी की प्रॉब्लम थी। तो जो हुआ होगा 4-5 बजे, मम्मी का कहना है कि 2 बजे करीब सिस्टर को मम्मी ने बुलाया था, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, 4-1 बजे मम्मी की नींद लगी और 5 बजे मम्मी उठी तो पापा अजीब से लगे, तो मम्मी ने तुरंत ICU में लेके गए। तो 5-5:30 बजे वही पापा की शुगर ड्रॉप हुई है
एंड काश वहाँ उस टाइम ध्यान दे दिया होता, मम्मी ने बुलाया था। और जब फाइल में मैंने स्ट्रिक्टली बोला था कि मम्मी पापा को इसी चीज की प्रॉब्लम है, शुगर ड्रॉप की प्रॉब्लम है, तो आपको इसी चीज का ध्यान रखना है, तो वो चीज हो गई। और मतलब फिर मैंने सोचा भी था कि मैं बोलूँ हॉस्पिटल वालों से, पर क्योंकि मेरी दीदी खुद मेडिकल फील्ड में, तो दीदी ने कहा देख ऐसा है कि हम इतने पेशेंट्स को देखते हैं यार, हजार में से एक के साथ हम भी तो इंसान ही हैं, भले लोग भगवान कहें, गलतियां हो जाती है। इसीलिए हर डॉक्टर या हर सिस्टर को ब्लेम करने से मतलब नहीं है, पर उनके लिए हजारों में एक इंसान होगा, पर हमारे लिए पूरी दुनिया होता है। पर मैंने मेडिकल फील्ड वालों का भी रिस्पेक्ट करते हुए उस चीज़ को रहने दिया। पर अगर उस रात शायद उस टाइम मम्मी ने डॉक्टर या सिस्टर को बुलाया था, वो थोड़ा सीरियस ले लेती उस बात को मम्मी की, मम्मी पढ़ी लिखी नहीं उतना, मम्मी को नंबर्स नहीं समझ में आते हैं, देख लेती ना। तो आप ये कहेंगे कि मम्मी क्योंकि आपका एग्जाम था आप इसलिए जान सकते हैं कि क्योंकि दीदी की बच्ची जस्ट हुई थी, अभी कितने महीने की होगी, दो महीने की, वो वहाँ रुक नहीं सकते, तो इसलिए मम्मी रुकी। और पापा जो मम्मी तो रुकती थी, मेरी मम्मी दिन रात पापा के पास रहती थी। दूसरी चीज ये बताना कि सीरियस नहीं थे। हाँ, सीरियस मेरे साथ को हंसते हंसते गए पापा, और पापा बात कर रहे साथ में, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस वो फ्लक्चुएशन जो वेरिएशन होता था शुगर लेवल में, वो उससे पापा 6-8 महीने से परेशान थे। और मैं बहुत बार डॉक्टर को बोल चुकी थी, पर वो डॉक्टर्स के पास इतने पेशेंट आते कि वो कुछ नहीं ऐसे ही करते थे, इसलिए हम दिल्ली ले जा रहे थे। मैंने दिल्ली वाले डॉक्टर से मैंने खुद बात की थी उस दिन रिजर्वेशन था, लेकिन वो अंदर से पता चल गया था कि ऐसा, मतलब मेरे लिए सबसे ज्यादा मैं लाइफ में किसी को प्यार करती थी तो वो वही, और कोई नहीं था ना है। तो ये हॉस्पिटलों की गलती कह लो या अब आप डेस्टिनी को कौन मिटा सकता। अब मैं किसी को गलत कहने से अगर वो वापस आ जाए तो मैं शायद केस ही कर दूं अगर उनके वापस आने के चांस हो। और मगर ये कि रचना 12 साल हो गए आपको फॉर्म, आपको हर कभी, ऐसा नहीं कि आज उनकी वर्सी है इसलिए याद आई, नहीं, रचना को हर कभी याद आ जाती है, हर छोटी बात पे याद आ जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब रचना पापा को जैसे को हम कभी दिल से तो नहीं हटा सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, मगर वो जो उसने खोया वो जानता है। मैंने मतलब कि कम एज में वो होते तो मेरा करियर शायद अलग होता। ऑब्वियस है, आपने पीछे छोड़ दिया उसके लिए, मेरा करियर अलग होता, मेरा नेचर अलग होता, मेरी कैरेक्टरिस्टिक अलग होती, क्योंकि उनके जाने के बाद मैंने देखा रिश्तेदारों को बदलते हुए, अपने रिश्तों को बदलते हुए, लोगों ने मेरे साथ कैसा ट्रीट किया। शादी के बाद भी ये कहूँगी कि जो ट्रीटमेंट होता है ना, क्योंकि इसके पापा ने, वो अलग ट्रीट हो जाता है, अलग ट्रीटमेंट मिलता है आपको, क्योंकि सिंपैथी नहीं मिलती आपको, कोई इज्जत नहीं देता है ना आपके पापा से, जो आपका नाम और इज्जत होता है ना लोग नहीं देते। तो आपका पापा देखो कम उम्र में खो दिया, आज अगर 32-33 की है तो 12 साल 20 की थी उनकी तबीयत पहले से खराब थी, मतलब 17-18 के बाद ही, मतलब मैंने GSITS में कौन सी ब्रांच मिल रही थी, पापा ने मना कर दिया था। अच्छा हुआ मैं बाहर नहीं गई, क्योंकि मुझे पापा के माता रानी की, मैंने पापा के लास्ट टाइम में 2 साल मैं पापा के साथ रही, पापा की जब भी तबीयत खराब होती थी रात बिरात मैं ही थी मेरे पापा के साथ। मेरे को एटलीस्ट खुशी है कि मैंने, मेरे पापा को मुझ पर प्राउड था, और मुझे था मैं BHL निकाल लूँगी। मेरा जिस साल गेट निकला था उस टाइम गेट के थ्रू BHL नहीं था, मैंने BHL का एग्ज़ाम दिया था तो 1-2 मार्क्स से रह गया, उसके बाद से वो गेट से हो गया, फिर मैं नहीं निकाल पाई क्योंकि मेरी नॉलेज कम होती गई और थोड़ा फिर फैमिली प्रॉब्लम भी शुरू हो गया। से मतलब नहीं, पर हाँ मैं पापा के सपनों को उतना पूरा नहीं कर पाई, इस चीज़ का मुझे बस गिल्ट है, वो है। बाकी मेरे पापा मुझसे बहुत प्राउड फील करते थे मुझसे, और मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। मुझे इतना तक यकीन है कि जो लास्ट वर्ड उनके होंगे ना, वो मुझे रच्चा बुलाते थे, तो उन्होंने लास्ट टाइम जो बोला होगा ना, मेरा ही नाम से मम्मी को बुलाया होगा, मम्मी सुन नहीं पाई या जो भी हुआ, तो मतलब याद तो उनकी हमेशा आती। मैं कभी ऐसे सीन या गाने नहीं देखती हूँ या मुझे पता है कि मुझे रोना आ जाएगा, इवन मैं जब गीत को इसके पापा के साथ देख तब भी मुझे याद आती, क्योंकि और मैंने हमेशा कोशिश की है कि इस गीत की बॉन्डिंग पापा से हो, क्योंकि मेरी थी तो मुझे, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ इन लोगों की भी बहुत अच्छी हो। लेकिन आज जो चीज़ें हुई थी 12 साल वाले, वो मुझे नहीं रिकॉल करना चाहती, मैं स्टेप बाय स्टेप रिकॉल होती कितने बजे ये हो रहा था, इतने बजे ये हो रहा था, इतने बजे ये हो रहा था। Oh.
अब आगे मतलब मैं अब ठीक है रचना यार। जहाँ होंगे वो खुश होंगे, मुझे लगता है आप अभी अपनी लाइफ में खुश हो, सेटिस्फाई हो। हाँ ये कि गवर्नमेंट जॉब की जो उम्मीद थी आपकी वो नहीं हुई, बीए चले गया और टीसीएस आपने खुद छोड़ी है। आपने टीसीएस इसलिए छोड़े कि मम्मी को आप रख सको, क्योंकि आप बाहर जाते हैं तो रखना उतना मुश्किल रहता है। कुछ लोगों की आदत होती है, चाहे ससुराल वालों कह लो या दूर वालों कह लो, हमेशा अगर कोई इंसान गलत कहता है तो बहुत ईजीली उसके मम्मी पापा को ब्लेम कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने भी अक्सर लोगों को कहते सुना, यही सिखाया, यही पढ़ाया लिखाया तुम्हें पापा ने। आप अगर किसी बात पे किसी को कहना होता है ये नहीं कहना चाहिए, जो इंसान है नहीं उसका नाम लेके कभी नहीं कहना चाहिए। अक्सर सुना है लोगों को कहते हुए, नहीं डालोगे ना ये वीडियो। वीडियो देखो, ब्लॉग बनाने का मतलब ये है कि एक तो बाउंडेशन पता चलना चाहिए कि रचना आज जो जॉब क्यों नहीं कर पा रही है, और मेंटली जो रचना डिप्रेशन में भी रही आफ्टर दिस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि शी वॉज सो कनेक्टेड विथ हर फादर प्लस उसके लाइफ। एक स्टोरी मैं ज़रूर बनाऊंगी सीजोफ्रेनिया की, जो मेरी मम्मी के इस टाइम पे हमने फेस किया, मैंने अकेले नहीं, मालवीय जी और मैंने मिलके उस 2 साल कैसे निकाला है घर, और 1-2 हफ्ते का जो घर का डरावना सीन था। लोगों को कहना बहुत मुश्किल होता है कि ये तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, क्या है इनको, मम्मी को ही तो रख रहे हैं या आगे चल के मम्मी के पैसे ले लेंगे। आगे चल के ले लेंगे वाली बात नहीं, अभी हमने क्या चीज़ कैसे उस बीमारी को फेस किया। हमने अपनी मम्मी को रोड पर नहीं छोड़ा, है ना, कि जो होते हैं ना रोड पे, आपने देखा होगा लोग गरीबी में ऐसे गंदे कपड़ों में होते हैं और अपने आप से बात करते रहते हैं, वो सीजोफ्रेनिया। वो पागल नहीं होते, वो सीजोफ्रेनिया के पेशेंट। कैसे ट्रीट किया हमने मिल के हमारी मम्मी, और आज बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्दी हैं। पर कहने वाले कह देते हैं ना कि इन्होंने लालच में किया है कि मम्मी, लालच फ्यूचर का क्या है, लालच यार क्या पता नहीं हुई थे फ्यूचर का क्या लालच। दूसरी चीज क्या होती है कि सीजोफ्रेनिया बहुत मुश्किल है पेशेंट से डील करना, वो हम आगे चल के कभी बताएंगे। बस कह देना किसी को कुछ भी, तो सुन आज का ये ब्लॉग खत्म कर दो, वो तो दुनिया कहती रहेगी, सबके मुंह हम बंद नहीं कर सकते ना, सबको हम बता सकते हैं। ये ब्लॉग बनाने का, रचना को रोते दिखाने का ये मायने था कि जो हमारे ऑडियंस हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो कहते हैं कि रचना जॉब क्यों नहीं करती, तो वो बताना था कि रचना ने अच्छी जॉब मिली मगर छोड़ दी मम्मी के चक्कर में, और आज रचना की जो स्थिति है, मोटापा भी है, पीसीओडी है, वो सब पापा के जाने के बाद शुरू हुआ। हेल्दी तो वो है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत पतली स्लिम थी, मगर पहले उसका वजन 55-50 था, तो वो वजन बढ़ना, पीसीओडी बढ़ना शुरू हुआ। एक लेडीज़ में पीसीओडी, उसकी लाइफस्टाइल डिसीज होती है बढ़, वो काफ़ी टेंशन आई उसके बाद, मम्मी को रखना, मम्मी प्लस उसकी जो भाभी भैया के साथ रिलेशन बिगड़ना, और फिर मम्मी को सीजोफ्रेनिया हो जाना पापा के जाने के बाद। पर मुझे अब रिग्रेट हो रहा है, खुद पे ध्यान देना चाहिए था। बट वो मेरी कैरेक्टरिस्टिक थी कि मेरे को नहीं हो पाया, जो भी है। मैं हमेशा कहती हूँ ब्लॉग में नहीं, मैं रोते हुए आऊँगी, हंसते हुए आऊँगी, मेरे को अच्छा अच्छा दिखाना है, लेकिन एट द एंड होता यही है कि मेरा रोता हुआ गंदा सा चेहरा आ जाता है हमेशा कैमरे के सामने, हमेशा यही गंदा तो है। देखो रोते हुए तो गंदा तो दिखती, वैसे यूँ भी गंदी ही दिखती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। पापा के जाने बाद बहुत बदल जाती है ज़िंदगी यार, और कम उम्र में चले गए थे, खासकर लड़की के लिए। तो पीसीओडी का जो हार्मोन्स इसके फ्लक्चुएट हुए हैं वो तो भगवान जानता है, वो हार्मोन इतने फ्लक्चुएट होते हैं तो कभी कभी रोना शुरू कर देती है, तो रोना ही शुरू कर देती है, कभी इतना ज़्यादा एंजाइटी इशू हो गया तो एंजाइटी हो रहा है, तो बड़ा मुश्किल था दोस्तों यार मेरे लिए भी। तो चलो ये वाला ब्लॉग यहीं रखते हैं, अननेसेसरी का यह वीडियो बन गया है। उम्मीद आपको पसंद आया, हमारी स्टोरी से आप कनेक्ट हुए होंगे, रचना की स्टोरी से कनेक्ट होंगे, और वो ये वीडियो वही समझ पाएगा जिसने अपनों को बहुत जल्दी उम्र में खो दिया है। बड़ी मुश्किल होती लाइफ उसके बाद यार, मैं तो ब्लेस्ड हूँ माता रानी ने, अभी तक मैंने अपने तो अभी तक हैं, भले दूर रहते हैं मगर हैं, उनसे बात हो जाती है, समवेयर वो वर्ल्ड में है तो पता है, अगर जो नहीं है वो नहीं है। तो अपना ध्यान रखिए, अपने साथ रहने वालों का ध्यान रखिए। जय माता दी।